नीमच जिले के थाने में पड़े वाहनों की नीलामी नहीं होने से लाखों रुपए के वाहन थाने में बर्बाद हो रहे हैं। चोरी सहित विभिन्न मामलों में जब्त दो पहिया तथा चार पहिया वाहन लंबे समय से जिले के सभी थानों में जंग खा रहे हैं। वाहनों की नीलामी नहीं हो रही है। जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से थाने में वाहनों की नीलामी नहीं हुई है, जबकि इस दौरान विभिन्न मामलों में पुलिस द्वारा सैकड़ों वाहन जब्त किए गए। शहर के कोतवाली थाने में पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों से थाना परिसर का एक बड़ा हिस्सा भी घिर चुका है। सूत्रों की माने तो जब्त वाहनों की नीलामी कोर्ट के निर्देश पर होती है, लेकिन अधिक समय से वाहनों की नीलामी नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए। इसमें कई ऐसे वाहन भी हैं जो दुर्घटना तथा छोटे मोटे कारणों से जब्त हैं। कानूनी प्रक्रिया के कारण वैसे वाहन भी चोरी तथा अन्य बड़े अपराधों में जब्त वाइफ जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। नीमच जिले के जो कई थाने हैं, कई थानों में जो है कई वाहन जो हैं पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं विभिन्न प्रकरणों में, जिसमें NDPS के भी हैं, लूट हत्या सहित कई मुकदमे ऐसे हैं, आबकारी अधिनियम के भी हैं। उनमें जो वाहन है वो थाने पर खड़े हुए हैं और वो थाने पर पड़े हुए जो है बेकार हो रहे हैं, सड़ रहे हैं वाहन। तो ऐसे में जो है जिन प्रकरणों में जो वाहन राजसात किए जाते हैं और राजसात करके उनकी नीलामी की जा सकती है, तो ऐसे प्रकरणों में जो है काफ़ी लंबे समय से जो है राजसात की कार्रवाई और नीलामी की कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में जो है यदि थानों पे जो वाहन पड़े हैं वो अनावश्यक रूप से जगह भी काफ़ी रोक रहे हैं और पड़े पड़े वहाँ भंगार भी हो रहे हैं, तो उनको जो है शासन द्वारा जो है जल्द से जल्द राजसात करके जो है राजसात की कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जो है नीलाम किया जाना चाहिए, ताकि शासन को जितने भी नीमच जिले के थानों के अंदर पड़े हुए जो करीबन 25-30 साल पुराने 35 साल पुराने भी पड़े हुए हैं, वो जगह घेर रहे जबरदस्ती में, उससे सरकार को इनकम नहीं हो रही और जगह की भी वहाँ कुछ उस जगह कुछ यूज़ हो उसके लिए इनको कोई कदम उठाना चाहिए। या तो उनको राजसात करें या उनको बेचें या उसका ऑक्शन निकाल के इसको सब कुछ सरकार को कुछ इससे आय अर्जित हो, ऐसा कोई काम करना चाहिए। अभी जिला नीमच में हम लोगों ने जुलाई के माह में प्रत्येक थाने का सर्वे करा के और एक अभियान चला के सफाई अभियान चलाया, उसमें हमने सभी वाहनों को चिन्हित किया है। तो तीन प्रकार के वाहन हैं। एक तो वो वाहन जो अपराध में जब्त हैं, तो उनकी प्रक्रिया राजसात के लिए माननीय न्यायालय द्वारा प्रारंभ है, अभी चल रही है। उसमें ENM के द्वारा वो हमारा पूरा सर्वे किया गया है और पूरा सर्वे के बाद कितने उसका ऑफसेट मूल रहता है उसके आधार पर ऑप्शन किया जाएगा। दूसरे वाहन वो रहते हैं कि जो लावारिस हालत में जब्त किए हैं, तो लावारिस हालत में करीबन मेरे हिसाब से पूरे ज़िले में करीबन होंगे 1.5 से 2 हज़ार वाहन हैं जो टू व्हीलर हैं, उनकी भी जो है प्रक्रिया प्रारंभ है और उसमें चूँकि टीम गठित हो गई और जिला कलेक्टर के द्वारा इसमें नियुक्त किया गया है और कार्रवाई चल रही है। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।